हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मेरा निकाह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, उसको प्रपोजल भेजती है और उसके बाद लड़का उसे पसंद नहीं करता लेकिन शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो अगर लड़का का ये सवाल है कि ठीक है शादी कर लेते हैं, तो क्या अल्लाह ताला ऐसी शादी में निकाह के बाद मोहब्बत डाल देता है? ये सही है? देखिए बहन, मुझे तो बहुत अजीब सवाल लग रहा है कि लड़की प्रपोजल भेजती है, लड़का पसंद नहीं करता है, फिर भी शादी कर लेता है। पसंद नहीं करता तो क्यों शादी कर लेता है? जाहिर है, देखिए मैंने शुरू में बताया, सुनिए एक मिनट थोड़ा सा। ये प्रपोजल का जो तरीका है, प्रपोजल लड़की का वली भी भेज सकता है और लड़की भी उस सूरत में भेज सकती है जब उसमें कोई फितना ना हो, इसको लोग गलत कामों का रास्ता और जरिया ना बना ले। तो लड़की प्रपोजल भेज सकती है, लेकिन मौजूदा जमाने में जो फितने हैं, मैं कहूंगा कि इससे बचें। लेकिन चूंकि एक शरई हुक्म है, इसलिए अमानतदारी का तकाजा है कि इसको मैंने बयान कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की लड़कों में रिश्ते ढूंढते फिरे, बातें करते फिरे, ये नहीं है। आपने रिश्ता भेज दिया, मैसेज कर दिया या किसी के जरिए से पैगाम पहुंचा दिया, खलास इतना काफी है, उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर किसी और फितने में दाखिल हो रही है तब नहीं जायज है। और ज्यादा मुनासिब तो ये है कि डायरेक्ट अपने घर पे बात करें, अपने वालदेन से बात करें, वो लोग वहां पे रिश्ता भेजेंगे। और जाहिर है, जिस वक्त रिश्ता भेजते हैं उस वक्त थोड़ी ऐसा होगा कि लड़के को पहले से आपसे मोहब्बत है। रिश्ता भेजेंगे, बात होगी, शादी तय होगी, जब निकाह हो जाएगा मोहब्बत हो जाएगी। बल्कि जब शादी तय होगी उसी वक्त से आदमी को कुंजियत हो जाती है कि मेरी फला से शादी होने वाली है। लेकिन ये तो बहुत ताज्जुब लग रहा है, उसको पसंद नहीं करता है फिर भी शादी कर लिया। भाई अगर शादी कर लिया अपनी मर्जी से बगैर जोर जबरदस्ती के, तो शादी तो सही है। अब उसको मोहब्बत हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये कोई मुफ्ती नहीं बता पाएगा।